ये जो भौतिक शरीर है ये केवल किसी की सेक्सुअलिटी की वजह से अस्तित्व में आया है कि नहीं। सेक्स का शरीर के एक मूल स्वभाव में होना एक बात है, पर उसका आपके दिमाग में घर कर जाना दूसरी बात है। इंद्रियों के स्तर पर सभी में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, पर आपके पास एक बुद्धि है जो आपको जागरूक बना सकती है और आप जीवन के उस पहलू को जागरूकता से अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको आए दिन बलात्कार, वहशीपन और वैसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। उस व्यक्ति की भी किसी दूसरे व्यक्ति के जैसी ही इच्छाएं हैं, पर वो इसे सही ढंग से गरिमापूर्ण तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मजबूरियां उसकी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं। तो हम पैदा इसके कारण हुए हैं, पर क्या हमारा अंत भी इसके साथ होना चाहिए? सवाल ये है। ये बात सही और गलत की नहीं है, न ही ये नैतिकता वाली बात है। बात यह है कि इसका स्वभाव कितना सीमित है। क्या आप हमेशा के लिए इसी में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर यह सोचना चाहते हैं कि एक बुरी बात है, मैं इसे छूना भी नहीं चाहता? नहीं, मैं कहूंगा कि करीब 30-40% लोगों के लिए ये एक आने जाने वाली चीज है उनके अंदर, पर सामाजिक व्यवस्था की वजह से वो सब सोचते हैं उन्हें उस दिशा में जाना पड़ेगा। हो सकता है बाकी 30-40% लोग हों जिनके लिए एक बड़ी मजबूरी हो, बाकी 30-40% के लिए ये एक सामान्य सी जरूरत है, उनको ये चाहिए तो, पर वो इतने मजबूर नहीं है। तो ये है लोगों का स्वभाव। मैं ये बात इसके बारे में अपने खास सटीक बोध के आधार पर कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें हर वक्त लिप्त रहते हैं, पर आज की तारीख में समाज उन्हें इस तरह से ढाल रहा है कि अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप नॉर्मल नहीं हैं। तो असल में आपके कहने का मतलब ये है कि पुराने समय के योगी नॉर्मल नहीं थे, गौतम बुद्ध नॉर्मल नहीं थे, कोई नॉर्मल नहीं था, सिर्फ उनको छोड़कर जो अश्लील वेबसाइटों पर होते हैं, कोई नॉर्मल नहीं है। नहीं, ये फिजिकैलिटी या भौतिकता का एक बहुत बड़ा चढ़ा स्वरूप है। There is a physical body. It has come into existence only because of somebody's sexuality, isn't it? ये जो भौतिक शरीर है ये केवल किसी की सेक्सुअलिटी की वजह से अस्तित्व में आया है कि नहीं? सेक्स का शरीर के एक मूल स्वभाव में होना एक बात है, पर उसका आपके दिमाग में घर कर जाना दूसरी बात है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके आसपास एक खास तरह का कल्चर है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि किसी ने आपको कह दिया ये पाप है, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये बस इतना है कि इसके लिए कुछ सभ्य तरीके होते हैं जिसके लिए हमने सामाजिक संस्थान बनाए हैं, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता का एक खास स्तर बनाया है, क्योंकि एक इंसान में ये एक बुनियादी इच्छा होती है कि वो अपने जीवन के हर पहलू को थोड़ी सुंदरता से चलाए, नहीं तो हमें जानवरों जैसा लगेगा। देखिए, हम खाते हैं, हम ऐसे भी खा सकते हैं। जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आप जानवरों की तरह हो जाते हैं। अगर आपने 5 दिन से खाना ना खाया हो तो आप दोनों हाथों से उस तरह खाएंगे। जैसे कि आपने कभी भूखे कुत्ते को खाना खाते हुए देखा है? उस तरह से इंसान भी वैसा ही व्यवहार करेगा अगर उसकी जरूरत उस तरह की हो जाएगी। खाना, सेक्स, नींद और मृत्यु, ये 4 चीजें हैं जो मजबूर करने वाली हैं। एक मनुष्य जीवन के इन पहलुओं को भी जागरूकता से अंजाम देकर अपने आप को जानवरों से अलग साबित कर सकता है। सिर्फ तभी तो, अगर आप इन चीजों को धरती के दूसरे जानवरों की तरह करते हैं तो जैसे ही आप किसी को ऐसे देखते हैं आप कहते हैं वो जानवरों जैसा है, होता है ना? तो इंद्रियों के स्तर पर सभी में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, पर आपके पास एक बुद्धि है जो आपको जागरूक बना सकती है और आप जीवन के उस पहलू को जागरूकता से अंजाम दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको आए दिन बलात्कार, वहशीपन और वैसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। उस व्यक्ति की भी किसी दूसरे व्यक्ति के जैसी ही इच्छाएं हैं, पर वो इसे सही ढंग से गरिमापूर्ण तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मजबूरियां उसकी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाते खाते रुक नहीं पाते। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ सेक्सुअलिटी के लिए भी है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी सो जाते हैं। तो यही मूलभूत चीज है, ये मूलभूत प्रवृत्तियां जो हमारे शरीरों के अंदर हैं, यानी खाना, सेक्स, सोना व मृत्यु। जब आप इन चारों चीजों को जागरूकता से अंजाम देते हैं, सिर्फ तभी आप मनुष्य होते हैं, मृत्यु को भी मैं कह रहा हूं, तभी आप सही मायने में मनुष्य होते हैं। नहीं तो आप एक क्रमिक विकास की गलती हैं। पर एक बार आप मनुष्य बन गए तो आप किस तरह के मनुष्य बनना चाहेंगे, यह आपका चुनाव है। मजबूरी भरे किसी क्षण में आपको लग सकता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है। नहीं, आपके पास चुनाव है, आपने बस अभी उन चुनावों का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। प्रवृत्तियां आप भी हैं, पर आप उन्हें चुन सकते हैं, मजबूर होकर नहीं। आप सभी सेक्स की वजह से पैदा हुए हैं, पर क्या आपको इसी के लिए अपना सारा जीवन जीना चाहिए? यह एक चुनाव है, यह एक चुनाव है, यह आपके शरीर का एक अंश है, यह पूरा सब कुछ नहीं है। आप जो हैं ये उसका एक अंश भर है, ये वो सब कुछ नहीं है जिसे आप मैं कहते हैं। बुनियादी रूप से ये एक लालसा है। जिसकी हम लालसा रखते हैं उसे रूपांतरित किया जा सकता है ना। जब आप एक बच्चे थे आपको पेपरमिंट की लालसा थी, अब आप बड़े हुए तो किसी और चीज की लालसा होती है, अभी आप नवयुवा हैं तो किसी और चीज की लालसा है। पर ये लालसाएं बदलती रहती हैं, है कि नहीं? दिस लॉन्गिंग विल इट चेंज बाय द कंपल्शंस ऑफ टाइम और विल इट चेंज? ये लालसाएं क्या ये समय की मजबूरियों से बदलेंगी या फिर ये बदलेंगी आपके चुनने से, सचेतन चुनाव से? ऐसा नहीं है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। उसके भी तरीके हैं ताकि जो इनसे ऊपर उठना चाहते हैं वो ऊपर उठ जाएं। ये कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप ऊपर उठ जाएं तो आप सबसे मुक्त हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप वो कर भी रहे होते हैं तो क्या ये एक जागरूक चुनाव है या आप एक मजबूर जानवर हैं? यही जरूरी है।